सपोज एक ये ग्राउंड है और मान लो ये ग्राउंड स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं, ठीक। सपोज करो इसके ऊपर एक ब्लॉक है, वो ब्लॉक 4 kg का ब्लॉक है, ठीक है, 4 kg का ब्लॉक है, स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है। इसके ऊपर एक और ब्लॉक है और मान लो वो 2 kg का ब्लॉक है, इनमें फ्रिक्शंस हैं, कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इस इनके बीच में 0.5 है, काइनेटिक फ्रिक्शन 0.4 है, थोड़ी कम होती है ना, काइनेटिक 0.4 है, नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं ग्राउंड में। मैंने इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाई 2 न्यूटन ताकि ये मेरी तरफ मूव करे। मेरा क्वेश्चन है कि जब ये मूव कर रहे हैं, देखो मूव तो करेंगे, अब वो कैसे करेंगे वो आप सोचो, और करेंगे नहीं करेंगे वो भी आप सोचो, एक अकेला मूव करेगा वो भी आप सोचो, दो इकट्ठे मूव करेंगे, मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे इतना बता दो इनमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी, बस इनमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी। देखो तुम सोचो, इतने मैं डिस्कस करता हूं। 2 न्यूटन, ओके। मेरा मेरा प्लीज एक क्वेश्चन का आंसर देना प्लीज। देखो आगे ध्यान से, सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ये ब्लॉक्स इकट्ठे मूव करेंगे या नहीं करेंगे? कितने लोग कहते हैं करेंगे, कितने, क्योंकि फ्रिक्शन प्रेजेंट है, कितने बोलते हैं नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि धक्का तो ऊपर वाली को लगा, नीचे वाले टच नहीं किया, नहीं, मतलब कितने लोगों को लगता है कि मैं कह नहीं सकता, कुछ भी हो सकता है, और कितनों को ऐसा लग रहा है कि यार ये आंसर दे कैसे रहे हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि करेंगे कि नहीं करेंगे। पर ये तो है कि मूव तो कर ही जाएंगे क्योंकि नीचे स्मूथ सरफेस है, हिलना तो पड़ेगा ही उन्हें। देखो हो सकता है, देखो अब देखो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, हम कुछ कह नहीं सकते इसमें। जैसे सपोज करो दो ब्लॉक्स हैं, देखो मेरे ग्राउंड में तो फ्रिक्शन है नहीं, ये ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई,
आपके सामने है, देखो यहाँ फ्रिक्शन है और हो सकता है फ्रिक्शन ना भी होता, फ्रिक्शन नहीं है, चलो मेरी कोश में नहीं है, तो जब मैं इसे मूव करवाऊंगा हो सकता है इतनी जबरदस्त अंदर फ्रिक्शन है कि मैं धक्का तो इसे मार रहा हूं और साथ में ये भी साथ ही चल रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन है ना, जुड़े हुए हैं रफनेस की वजह से, इतनी फ्रिक्शन है कि साथ में ये भी चल पड़ा। अच्छा ये भी हो सकता है कि ये बेचारा स्लो चले, तो चलेगा तो सही क्योंकि फ्रिक्शन कुछ तो है इनके बीच में, ये नहीं कह सकते कि नीचे वाला बॉडी चलेगी नहीं, चलेगी, पर ऐसा हो सकता है कि ये इसके ऊपर स्लाइड करे और ये भी साथ साथ मूव करे, मतलब ये नहीं कह रहा इकट्ठे ना मूव करें, मतलब दो केस हैं। आप अगर ये कहोगे नहीं ये तो रुके रहेंगे, नहीं ये नहीं हो सकता, स्मूथ सरफेस है चलना तो पड़ेगा। हाँ ये हो सकता है, कंफ्यूजन यहां पर होती है कि ये दोनों इकट्ठे चलेंगे या फिर ये तेज चलेगा और ये थोड़ा स्लो चलेगा और अल्टीमेटली ये नीचे गिर जाएगा। देखो ये भी तो हो सकता है कि मैंने इस पर फोर्स लगाई तो ये चला कुछ देर, तो फ्रिक्शन की वजह से चलना पड़ेगा इसे, पर ये तेज चला और ये नीचे गिर गया, या हो सकता है दोनों इकट्ठे चलते जा रहे हैं, इतनी जबरदस्त फ्रिक्शन है कि दोनों इकट्ठे चलते जा रहे हैं, देयर इज नो सेपरेशन। क्या ये पहला पॉइंट सबको समझ में आता है? वो कैसे चेक करना है वो बात की बात है, तो ये समझ में आता है कि कुछ भी हो सकता है इन दोनों केसेस में से, कोई डाउट इसमें? तो दो केस आते हैं ब्लॉक्स के ऊपर, ब्लॉक के क्वेश्चन के। पहला केस, या तो इनकी सेपरेशन नहीं होगी, चिपक के चलेंगे इकट्ठे एज अ वन बॉडी, या फिर इनकी सेपरेशन होगी लेकिन मूव तो दोनों करेंगे। हाँ एक केस हो सकता है, अगर ग्राउंड पे भी बहुत जबरदस्त फ्रिक्शन होती तो हो सकता है ये ना चलता और ये अकेला ही चल पड़ता, पर मैंने ग्राउंड की फ्रिक्शन तो ली नहीं, तो मैं तो ग्राउंड की फ्रिक्शन स्मूथ बोल रहा हूं, तो इसको चलना ही पड़ेगा। तो या तो ये इकट्ठे चलेंगे या फिर ये तेज चलेगा और ये थोड़ा स्लो चलेगा और अल्टीमेटली गिर जाएगा। दो केस समझ पा रहे हो? तो चेक कैसे करना है, इकट्ठे चलेंगे या नहीं चलेंगे वो चेक करने का तरीका है, और वो है फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट इस सरफेस का मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इस सरफेस की आएगी म्यू ऑफ एस इनटू नॉर्मल रिएक्शन, यहां पर कितना है 2g, तो एफ ऑफ एस म्यू ऑफ एस कितना है 0.5 इंटू 2 इंटू 10, कितना आ गया 10 न्यूटन। मतलब मैक्सिमम स्टैटिक का मतलब क्या होता है, अब इमेजिन करो एक मिनट के लिए, ये ग्राउंड है 4 किलो नहीं, ग्राउंड ही है और ये 2 kg है। मैक्सिमम स्टैटिक हमें क्या बताती है कि 2 kg को चलाने के लिए किसके ऊपर, 4 kg के ऊपर स्लाइड करवाने के लिए कम से कम कितनी फोर्स चाहिए, 10 न्यूटन। तो अगर आपकी फोर्स 10 न्यूटन से कम है तो ये इकट्ठे ही चलने वाले हैं, इनकी सेपरेशन नहीं हो सकती, मतलब ये आगे पीछे, मतलब दे विल, या 2 kg का ब्लॉक विल स्लाइड ऑन 4 kg ब्लॉक, स्लाइडिंग समझते हो, घिसट के चलना, तो ये इसके ऊपर घिसट के चलेगा अगर आपकी अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन से ज्यादा होती, जैसे 2000 न्यूटन होती तो पता है क्या होता, 2000 में वो तो फटाफट निकल लेता और ये हल्का हल्का पीछे पीछे आता रहता, क्योंकि तो फटाफट नीचे गिर जाता स्लाइड करता हुआ, तो वो केस हो जाता। बट द पॉइंट इज कि अभी के लिए यहां पर 2 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की, और क्योंकि 2 न्यूटन की फोर्स और इनको सेपरेट करने की फोर्स कितनी है 10 न्यूटन, तो दो ब्लॉक्स को सेपरेट करने की फोर्स रिक्वायरमेंट अगर निकालनी हो तो आप क्या निकालोगे, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अगर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन 10 न्यूटन है, इसका मतलब दो बॉडीज को सेपरेट करना, सेपरेट मीन अलग अलग चलाना, घिसटना, स्लाइड करना, तो 10 न्यूटन फोर्स से ज्यादा फोर्स देनी पड़ेगी, पर हमारी फोर्स कितनी है 2 न्यूटन, तो इसका मतलब ये सेपरेट नहीं होंगे, इतनी जबरदस्त फ्रिक्शन है इसमें 10 न्यूटन की कि मेरी फोर्स अप्लाइड इनको सेपरेट नहीं कर पा रही, तो इसलिए ये इकट्ठे ही चलेंगे। पहला स्टेप समझ में आ रहा है, कोई डाउट इसमें? और अगर ये बॉडी इसके ऊपर स्लाइड नहीं कर पा रही तो उस केस में कौन सी फ्रिक्शन अपना रोल प्ले करेगी, 2 kg की बॉडी 4 kg के लिए तो रेस्ट पे पड़ी हुई है ना, इकट्ठे मूव कर रहे हैं, तो कौन सी फ्रिक्शन रोल प्ले करेगी, स्टैटिक। समझ में आया यहां पर? लेकिन अगर मेरी फोर्स 2000 न्यूटन होती और ऊपर वाली बॉडी खिसटती हुई स्लाइड करती हुई आगे चली जाती तो कौन सी फ्रिक्शन रोल प्ले करती, काइनेटिक, स्लाइडिंग स्टार्ट हो गई थी। कोई डाउट इसमें?
ने ये कहा कि इन दोनों को सेपरेट करवाने के लिए फोर्स रिक्वायरमेंट कितनी है, 10 न्यूटन, पर मैंने कितनी फोर्स लगाई, 2 न्यूटन, तो ये सेपरेट नहीं होंगे, एज अ वन बॉडी चलेंगे। एज अ वन बॉडी चलने का मतलब कि 2 केजी को लगेगा कि वो 4 केजी के ऊपर रेस्ट पे, चिपक के चल रहे ना इकट्ठे, रेस्ट पे है, और अगर ये रेस्ट पे है तो कौन सी फ्रिक्शन अपना रोल प्ले करेगी, स्टैटिक। लेकिन अगर आपने फोर्स ज्यादा लगा दी 200 न्यूटन तो ऊपर वाली बॉडी स्लाइड करती हुई आगे खिसक जाएगी, तो कौन सी फ्रिक्शन आएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है? तो अगर इनकी सेपरेशन होगी, मतलब स्लाइडिंग होगी, एक तेज और एक स्लो चल रहे हैं तो काइनेटिक, और अगर ये इकट्ठे चलते जा रहे हैं तो फिर स्टैटिक। ये रूल समझ में आ गया यहां तक? अब मेरे क्वेश्चन में सेपरेशन की फोर्स कितनी चाहिए इनकी, 10 न्यूटन, कोई डाउट इसमें? मैंने कितनी लगाई, 2 न्यूटन। तो पहला क्वेश्चन, क्या ये एक बॉडी की तरह चलेंगे, चिपक के चलेंगे एज अ वन बॉडी, या फिर क्या ये स्लाइड करेंगे, एक बॉडी चलेंगे, कोई डाउट इसमें? एक बॉडी चलेंगे, तो इसका मतलब यहां पर कौन सी फ्रिक्शन है, स्टैटिक, और मैंने फोर्स अप्लाई कितनी की, 2 न्यूटन। मैंने फोर्स कितनी अप्लाई की, 2 न्यूटन, और सेपरेट करने के लिए कितनी चाहिए, 10 न्यूटन। मेरा क्वेश्चन क्या था, फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लो फिर अगला क्वेश्चन, फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलो, अब आंसर क्या बोलते हो? कितने लोग बोलते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, नहीं होगी, तो इस क्वेश्चन में काइनेटिक का कोई रोल है ही नहीं। कितने लोग बोलते हैं 10 न्यूटन, नहीं, क्योंकि वो तो मैक्सिमम स्टैटिक है, तुम्हें क्या पता अंदर क्या लग रहा है। तो कितने लोग बोलते हैं 2 न्यूटन, क्योंकि मैंने क्लास में करवाया था कि एक बॉडी अगर ये रेस्ट पे पड़ी हुई है, रेस्ट पे, और इसमें मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन 10 न्यूटन है, और अगर मैं फोर्स 2 न्यूटन अप्लाई करता हूं तो आपने आंसर क्या बोलना होता है, 2 न्यूटन। तो कितने लोग एग्री करते हैं 2 न्यूटन, बिल्कुल ठीक, अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक, वैसे गलत, आंसर गलत है 2 न्यूटन। आपको ये क्या चक्कर है, पिछले लेक्चर में बोलता है 2 न्यूटन, लेक्चर चेंज होता है बोलता है 2 न्यूटन, नहीं ऐसा थोड़ा ना होता है। दोनों केसेस में फर्क नजर आ रहा है, ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा था और वो दोनों एक्सेलरेट कर रहे हैं, कुछ तो फर्क होता ही होगा। देखो सेम, एग्जैक्टली सेम केस तो नहीं है, कम से कम वो तो मूव कर रहे हैं, मूव मतलब इकट्ठे मूव तो कर रहे हैं ना, और वो किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट। पॉइंट समझ में आया, डिफरेंस है, आंसर 2 न्यूटन नहीं होगा, उसमें 2 न्यूटन होगा, वो 2 न्यूटन है, इसमें 2 न्यूटन नहीं है, फिर और कंफ्यूजन होगी, फिर क्या होगा, ये तो भी कॉम्प्लेक्स हो गया। तो अब मजे की बात देखो, जब ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक्स का क्वेश्चन होगा, ये नहीं ग्राउंड, नहीं ग्राउंड वाला केस तो क्लियर है, इसमें तो 2 न्यूटन है, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक का क्वेश्चन होगा और दोनों इकट्ठे मूव कर रहे होंगे और चिपक के इकट्ठे मूव कर रहे हैं विदाउट सेपरेशन, तो यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन अपना रोल प्ले करेगी और 2 केजी का ब्लॉक आगे जाने की कोशिश करेगा तो इस पे फ्रिक्शन कहां लगेगी, पीछे, पता नहीं कितनी, स्टैटिक एफ, और बदले में रिएक्शन में क्या लगेगी, एफ, और दोनों के दोनों कहां मूव कर रहे हैं, आगे विद सम एक्सेलरेशन ए। तो आपको अगर इसका स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है मूविंग ब्लॉक्स का, तो आपको हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम ही ड्रॉ करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं बोल सकते कि इसका आंसर 2 न्यूटन है। मैं करके दिखाता हूं, जैसे 2 केजी का ब्लॉक है, 2 केजी के ब्लॉक के आगे 2 न्यूटन है और पीछे कौन सी फोर्स है, एफ, और ये कहां एक्सेलरेट कर रहा है, आगे, और 4 केजी का जो ब्लॉक है, 4 केजी के आगे की तरफ कौन सी फोर्स है, एफ, और ये भी कहां कर रहा है, ए। तो फ्री बॉडी डायग्राम में बोलो, न्यूटन का लॉ लगाओ, 2 माइनस एफ इज इक्वल टू 2 इंटू ए, और इसके लिए बनाओ एफ इज इक्वल टू 4 इंटू ए, इन्हें ऐड करो, ऐड करके एक्सेलेशन आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 1/3। इस एक्सेलेशन को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो फोर्स आएगी 4 इंटू 1/3 यानी कि 4/3। ये है फ्रिक्शन का आंसर जो कि 2 न्यूटन से भी कम आ रही है। आप कहोगे ये क्या चक्कर है, उसमें तो 2 न्यूटन था, वो बॉडी खड़ी थी ना, ये चल रही है, चलती हुई बॉडी और खड़ी हुई बॉडी में फर्क है। आप कहोगे अगर चल रही है तो भी स्टैटिक को यूज कर रहे हैं, ऐसे नहीं चल रही, स्लाइड नहीं कर रही दूसरी बॉडी पे विद रिस्पेक्ट टू 4 केजी बॉडी किस पे पड़ी हुई है, एट रेस्ट। तो आपने जब भी ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक का प्रॉब्लम सॉल्व करना है और आपको ये पता लग चुका है कि वो सेपरेट नहीं होंगे, तो आपको एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है और वो है फ्री बॉडी डायग्राम, एफ और एफ बना के ही क्वेश्चन सॉल्व होगा और कोई तरीका नहीं। इसलिए इसका आंसर 4/3 न्यूटन होगा। ठीक है यहां तक? तो मैंने बोला था आज तक कोई आंसर दे नहीं पाया, तो बच्चे ठीक है अपनी जगह, ठीक है, जिसको नहीं पता है वो कैसे आंसर देगा,
तो टॉपिक ही नहीं करवाया, आंसर कैसे देगा? तो अब टॉपिक समझ में आया, तो आज के बाद ब्लॉक्स के ऊपर ब्लॉक की प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो और वो एक्सलरेट कर रहे हो इकट्ठे, तो आप अपना आंसर अप्लाइड फोर्स से नहीं देंगे, आप क्या ड्रॉ करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्रिक्शन जितनी सीधी लगती थी ना, ये उतनी सीधी है नहीं, पर उतनी मुश्किल भी नहीं है। थोड़ा सा रूल्स हैं इसके, और स्ट्रिक्ट रूल्स हैं थोड़े से इसके, थोड़े ध्यान से करने पड़ते हैं, तो अगर ध्यान से करोगे तो इजी है, बट इतनी सीधी नहीं है, थोड़ी थोड़ी डायरेक्शन में चक्कर डाल लेती है, ध्यान से देखना पड़ता है। कोई डाउट इसमें लगा? ठीक, मान लो, चलो सेकंड केस, ये स्लाइड करते हैं, मतलब मैंने फोर्स कितनी कर दी, 2 न्यूटन की जगह 200 न्यूटन कर दिया, चेंज कर दिया। तो अब अगर मैंने फोर्स 200 न्यूटन कर दी, तो मुझे ये समझ में आता है, इसको बाद में नोट करवाऊंगा, रुको 1 मिनट। तो मुझे ये समझ में आता है कि इनको सेपरेट, देखो यहां तक तो आपको क्वेश्चन करना ही पड़ेगा ब्लॉक्स के ऊपर ब्लॉक, क्योंकि यहां तक तो इससे ये पता लगता है कि इनकी सेपरेशन होगी कि नहीं होगी। तो मैंने फोर्स अब 200 न्यूटन लगाई, विच इज ग्रेटर देन 10 न्यूटन, तो बोलो सेपरेशन होगी कि नहीं होगी? होगी। तो आपको लगता नहीं 2 kg का ब्लॉक फटाफट आगे स्लाइड करता हुआ निकल जाएगा और 4 kg का ब्लॉक धीरे आएगा? ये ना कहना आएगा नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन इसके ऊपर एक्ट कर रही है जिसको आगे लेके आएगा, आएगा लेकिन थोड़ी स्लो चलेगा, 2 kg का तेज चलेगा। कितने लोग एग्री करते हैं कि दोनों की एक्सलेशन भी डिफरेंट होगी, सेम नहीं हो सकती? कितने लोग कहते हैं नहीं एक्सलेशन सेम होगी? फिर से क्वेश्चन पूछता हूं, कितने लोग बोलते हैं कि अब ऊपर वाला ब्लॉक तेज चलेगा, नीचे वाला स्लो चलेगा, तो एक्सलेशन दोनों की डिफरेंट होगी? मैंने कितनी क्लियरली आंसर दिया, ऊपर वाला ब्लॉक तेज चलेगा, नीचे वाला स्लो चलेगा, तो एक्सलेशन सेम कैसी चलेंगी? एक्सलेशन सेम तो तब होगी जब दोनों इकट्ठे स्टिक इकट्ठे चलेंगे, तो ही सेम होगी। तो इस केस में एक्सलेशन डिफरेंट होगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऊपर वाला तेज एक्सलेट करेगा और नीचे वाला स्लो एक्सलेट करेगा, कोई डाउट इसमें? ठीक, रूल नंबर 2, अगर ये सेपरेट होंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन सा अपना रोल प्ले करेगी, स्टैटिक की काइनेटिक? हाँ, काइनेटिक, क्योंकि स्लाइडिंग हो रही है। तो एक काम करें, यहां पर एफ नहीं आएगा, यहां पर एफ ऑफ के आ जाएगा, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? अच्छा, अब ये बताओ, बॉडी की स्पीड ज्यादा हो या बॉडी की स्पीड कम हो, अगर बॉडी स्लाइड करती हुई जा रही है, चाहे ज्यादा स्पीड से चाहे स्लो स्पीड से, काइनेटिक फ्रिक्शन कभी स्पीड पे डिपेंड नहीं करती। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बोलो यहां पर क्या लगेगी, म्यू ऑफ के इनटू नॉर्मल रिएक्शन कितना है यहां पर, 2g। तो म्यू के कितना है यहां पर, 0.4 इंटू 2 इंटू कितना, 10, कितना आ गया, 8 न्यूटन। यानी कि अगर ये क्वेश्चन में आपको मालूम पड़ गया कि यहां पर तो कौन सी फ्रिक्शन है, काइनेटिक, तो काइनेटिक का क्वेश्चन फ्री बॉडी डायग्राम से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। काइनेटिक के लिए ये फॉर्मूला लगाओ और आंसर बोलो इसमें 8 न्यूटन की काइनेटिक फ्रिक्शन है, खत्म, नो फ्री बॉडी डायग्राम। पॉइंट समझ में आया यहां तक? अगर तो बॉडी इकट्ठी चलती है फिर फ्रिक्शन की वैल्यू निकलेगी बाय फ्री बॉडी डायग्राम, और अगर इकट्ठी नहीं चलती, अलग अलग चलती हैं, फिर उस केस में क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला। कोई डाउट इसमें? फ्रिक्शन की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है यहां तक? फिर किसी ने कहा सर अभी भी वो पॉइंट समझ में नहीं आया कि वो स्टैटिक वाला केस में 2 न्यूटन कैसे हो गया था, तो मैं उसको भी कर देता हूं फ्री बॉडी डायग्राम से। अगर बॉडी आपकी ग्राउंड के ऊपर, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर फ्रिक्शन है, और मान लो इसकी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सपोज 10 न्यूटन, और मैंने थोड़ी देर पहले कहा था मैंने अप्लाइड फोर्स कितनी लगाई, 2 न्यूटन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी, 2। ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक थोड़ी ना, ग्राउंड के ऊपर है, तो 2 न्यूटन। किसने कहा कैसे, वही रूल लगाओ जिसमें लगाए, लगा लो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कनेक्ट करेगी पीछे, बॉडी किस पे पड़ी हुई है, एट रेस्ट, तो आगे की फोर्स माइनस पीछे की फोर्स इज मास इनटू 0, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या आएगी, 2। प्रॉब्लम है कि अब स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में हम क्या लेते हैं, एक्सेलरेशन, जिस वजह से एफ की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज, नहीं तो होगी नहीं चेंज। तो रूल तो इसमें भी सेम है, रूल तो इसमें भी सेम है, पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इन द एंड इसको कैसे करेंगे, अगर ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक आता है सबसे पहले चेक किया जाएगा कि उनकी सेपरेशन होगी या नहीं होगी। कैसे पता लगेगा, सबसे पहले क्या निकलेगा, मैक्सिमम स्टैटिक,
मैक्सिमम स्टैटिक आ गया। फिर ये चेक करेंगे क्या हमने फोर्स इससे कम लगाई, अगर तो कम लगाई तो कौन सी फ्रिक्शन है, स्टैटिक, तो क्वेश्चन सॉल्व होगा बाय फ्री बॉडी डायग्राम, और अगर हमने फोर्स ज्यादा लगाई तो कौन सी फ्रिक्शन है, काइनेटिक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो काइनेटिक फ्रिक्शन इस केस में कितनी है हमारे पास, काइनेटिक फ्रिक्शन इस केस में 8 न्यूटन आई जो अभी मैंने सॉल्व करके दिखाई, तो काइनेटिक फ्रिक्शन यहां पर 8 न्यूटन और 8 न्यूटन कोई फ्री बॉडी डायग्राम नहीं, सीधा आ गया। इन क्वेश्चन में आपको फिर पूछा पता है क्या जाता है, काइनेटिक के साथ साथ ये बताओ कि 4 kg के ब्लॉक की एक्सेलरेशन क्या होगी एंड 2 kg के ब्लॉक की एक्सेलरेशन क्या होगी, क्योंकि दोनों डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूव करेंगे अगर काइनेटिक का रूल है। तो 4 kg ब्लॉक को कौन आगे लेके जा रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन कितनी 8 न्यूटन, 2 kg ब्लॉक को इधर मिल रही है 200 न्यूटन और पीछे क्या मिल रही है 8 न्यूटन। तो इक्वेशन बनाएं इसके लिए 8 = 4 × A1, तो A1 की वैल्यू आ जाएगी 2 m/s का स्क्वायर, इसके लिए 200 - 8 = 2 × A2, तो A2 कैन बी कैलकुलेटेड। तो इस तरीके से आपके एक्सेलेरेशंस के आंसर्स आएंगे। पॉइंट समझ में आया यहां तक, ये रूल क्लियर है? एक काम करते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप वो रूल, ये जो रूल सीखा उस पर लगा के मुझे आंसर दें, ठीक। ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 18 पे वापस आ जाएं और इसका क्वेश्चन नंबर 12 करना है। ऑब्जेक्टिव शीट 18 का क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करें, ऑब्जेक्टिव शीट 18 का क्वेश्चन नंबर 12। इसको लिखने की जरूरत नहीं, आपकी शीट में है ऑलरेडी ये सेम क्वेश्चन, चेक कर लेना, फ्रिक्शन की जो शीट दी थी ना सारा कुछ वहीं से है, चेक कर लेना।
हाँ जी, देखो नीचे की सरफेस क्वेश्चन में स्मूथ गिवन है, ये जो ब्लॉक है वो 40 केजी का ब्लॉक है और इसके ऊपर जो ब्लॉक है वो 10 केजी का ब्लॉक है और मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई कितनी, 100 न्यूटन। यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं और यहाँ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का स्टैटिक कोफिशियंट आपको क्वेश्चन में 0.60 गिवन है और काइनेटिक का 0.40 गिवन है, कोई डाउट इसमें? आपको नीचे की जो बॉडी है वो स्लैब गिवन है और मेरे ख्याल से इसी की आपको एक्सेलेरेशन भी निकालनी है, ठीक। अब पहले मैं चेक कर लूँ कि ये सेपरेट होंगे कि नहीं होंगे, इसके लिए मुझे इस सरफेस के लिए क्या निकालनी पड़ेगी, मैक्सिमम स्टैटिक, बोलो क्या, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर कितने हैं 10 जी, तो म्यू एस कितने हैं 0.60 इंटू 10 इंटू जी कितने लेने को कहा है 9.8 क्या जी, ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन एन जी तो कितना आ गया 58.8, ठीक। अब ये बताओ कि मैंने कितनी फोर्स लगाई 100, तो स्लाइड हुक करेगा करेगा, इकट्ठे नहीं चलेंगे, कौन सी फ्रिक्शन रोल प्ले करेगी, काइनेटिक, राइट। तो काइनेटिक फ्रिक्शन बनाए जरा, काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए ये ब्लॉक लेफ्ट जाने की कोशिश कर रहा है तो इसको फ्रिक्शन काइनेटिक कहाँ मिलेगी, राइट, तो इसको कहाँ मिलेगी लेफ्ट, डाउट इसमें? और काइनेटिक फ्रिक्शन फ्री बॉडी डायग्राम से नहीं निकलती, काइनेटिक के लिए म्यू ऑफ के इंटू नॉर्मल रिएक्शन वही 10 इंटू जी, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू के कितने 0.40 इंटू 10 इंटू 9.8, कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? काइनेटिक फ्रिक्शन आ गई। अब क्योंकि मेरे को स्लैब की एक्सेलरेशन निकालनी है तो स्लैब को लेफ्ट की तरफ मूव कौन करवा रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन जिसकी वैल्यू कितनी है 0.40 इंटू 10 इंटू 9.8, ठीक, और मान लो ये इधर मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो फोर्स 0.40 इंटू 10 इंटू 9.8 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो प्लीज यहां से सॉल्व करके ए निकाल लेना, ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, मार्क कर लो। आपको मेथड समझ में आ रहा है, ठीक, कोई डाउट इसमें? जिनको समझ में आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 14 भी कर देंगे, फिर 14th इस शीट का क्वेश्चन ट्राई करना, 14th क्वेश्चन, बी आ गया, नहीं बी नहीं है, फोर्टींथ, ए ए क्या टाइम हुआ है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन में काउंट हो जाता है, नॉर्मल रिएक्शन तो 10 जी, स्मूथ है, स्मूथ है, फ्रिक्शन है ही नहीं, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 जिनसे नहीं हुआ वो प्लीज देख लें, देखो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या गिवन है कि सपोज ये सरफेस तो देखो स्मूथ है और इसका मास कितना है बड़ा m, इसका मास कितना है छोटा m और यहां फ्रिक्शन प्रेजेंट है, फ्रिक्शन का कोफिशियंट डायनेमिक फ्रिक्शन गिवन है, डायनेमिक मतलब काइनेटिक एक ही बात है, डायनेमिक काइनेटिक एक ही बात है, म्यू के गिवन है म्यू, मुझे लगता है कि स्लाइडिंग होगी, स्टैटिक देनी ना काइनेटिक ही दे रहा है, बाकी मुझे पता नहीं, चेक करता हूँ, पर बातों से पता लग रहा है। फिर वो कह रहा है कि मैंने इसमें फोर्स भी लगाई, कितनी मैंने फोर्स लगाई 2 times μmg, देखो इसकी म्यू के चक्कर में मत पड़ना, फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना लगाया उसने। अब इनकी सेपरेशन होगी कि नहीं होगी वो अगर चेक करना है तो बड़ा आसानी से चेक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू है कितनी, म्यू टाइम्स
नॉर्मल रिएक्शन यहां पर कितने हैं mg, और आपने फोर्स इससे ज्यादा लगाई वैसे भी, तो ठीक है काफी ज्यादा डबल लगाई, डबल में तो पक्का स्लाइडिंग होगी ही होगी। तो अगर स्लाइडिंग होगी मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना है, मुझे एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेट विल बी इक्वल टू व्हाट, तो इसका नाम है प्लेट नीचे वाली, इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है। तो इसकी एक्सेलरेशन निकालने के लिए बड़ा एम और बड़े एम ऑब्वियसली, अगर ये स्मॉल एम को फोर्स आगे मिल रही है तो फ्रिक्शन कहां मिलेगी पीछे और इसको आगे, कौन सी काइनेटिक, ठीक है। तो बड़े एम को कौन आगे लेके जा रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन, और बड़े एम की एक्सेलरेशन है ए, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है म्यू टाइम्स स्मॉल एम जी। तो क्या लगाएंगे इसमें, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास बड़े वाला, तो एक्सेलरेशन क्या आएगी म्यू टाइम्स एम जी डिवाइडेड बाई मास कैपिटल एम। कोई डाउट इसमें, ए शीट जो फ्रिक्शन की हमने स्टार्ट की थी, एक मिनट ओपन करना, शीट नंबर 44 है ये, मैं लास्ट टाइम दी थी शीट नंबर 44, एक बार प्लीज देखना इसे, है ना आपके पास, हाँ लास्ट टाइम वाली है। तो यही जो कर रहे हैं इसके अंदर, ये बेल्ट वाला क्वेश्चन कर लिया था, चेन वाला क्वेश्चन भी कर लिया था, ये सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 11 जो आज का लेक्चर था 2 kg 4 kg वाला, ये पूरा यहाँ पर मेंशनड है, स्टैटिक फ्रिक्शन, आपकी फोर्स अप्लाइड लेस देन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ब्लॉक विल मूव टुगेदर एंड यू हैव टू यूज फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये आंसर आया था 4/3 newton सेम। और मैंने दूसरा केस भी साथ ही किया है कि अगर ये फोर्स 200 newton है तो मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया है कि इसमें कौन सी फ्रिक्शन आएगी काइनेटिक, और काइनेटिक के साथ एक्सेलरेशन डिफरेंट आएंगी, जो बोर्ड पे करके दिखाया था दोनों चीजें करके दिखाई हैं ताकि आपके रिकॉर्ड में रहे, रिवीजन करते हुए आपके पास सब कुछ रहेगा, ठीक। इसके बाद ये एक क्वेश्चन है, अगर मैंने दो ब्लॉक्स लिए 2 and 4 kg, 2 kg के ऊपर 2 newton फोर्स लगाई और 4 kg के ऊपर 20 newton फोर्स लगाई, अभी तक एक ब्लॉक पे फोर्स लग रही है, इसमें दोनों पे लग रही है और ये स्मूथ है, स्टैटिक काइनेटिक गिवन है और आपको बताना है कि इस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी होगी इनके बीच में। अब मेरे को फिर टेंशन होगी कहीं ये सेपरेट तो नहीं हो जाते, और क्या पता ना हो, क्या पता मैंने फोर्स 20 लगाई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये सेपरेट होंगे कि नहीं होंगे वो कौन डिसाइड करेगा, मैक्सिमम स्टैटिक। तो एक काम करते हैं, मैक्सिमम स्टैटिक निकालते हैं, म्यू ऑफ एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन यहां पर कितना है 2g, म्यू एस इंटू 2g से आंसर कितना आएगा 10 newton। इनको सेपरेट करने के लिए कम से कम कितनी फोर्स चाहिए, 10, और आपने कितनी लगाई 2। दूसरे बैच में स्टूडेंट क्या था, 2 कैसे लगाई, नीचे 20 लगाई, तो नेट तो 18 लगाई ना, तो कह रहा है मुझे डर है कि वो सेपरेट हो जाएगा, पर मेरा आंसर ये सेपरेट नहीं होगा, उसका ये क्या चक्कर है। मैंने कहा इमेजिन कर ले एक मिनट के लिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना क्विक फिक्स है, जहां चिपक गई बस वो बॉडी सेपरेट नहीं हो सकती, इमेजिन कर, और उसकी पावर जो है वो 10 newton की है, तूने लगा दी यहां पर फ्रिक्शन 10 newton, अब जब तक तेरी फोर्स 10 newton से ऊपर नहीं होगी तो एक काम कर, मैं इसे खींचता हूं 20 newton से, तू लगा जो फोर्स लगानी है, तो कह मैं 2 newton लगाऊंगा, तो लगा ले 2 newton, क्विक फिक्स जो फ्रिक्शन की फोर्स प्रोवाइड कर रही है, इमेजिन कर लो, इमेजिन करने के बोला है, तो कितनी आपको इसको तोड़ने के लिए कितनी फोर्स चाहिए 10 newton, पर आपने कितनी लगाई, तो ठीक है तुम भी मेरे साथ ही चल पड़ो, साथ ही चलोगे और क्या करो, तुम्हारा हाथ साथ ही चलेगा, 2 newton लगाते रहो जो पीछे लगानी है, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो ये सेपरेट देखो मैं तो मूव करवाऊंगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, स्मूथ है, इसको तो यहां जाना ही जाना है, डर है कहीं ये पीछे ना रह जाए। तो इसकी सेपरेशन चेक करने के लिए इनमें फिर से मैक्सिमम स्टैटिक निकलेगी, तो अगर यहां पर फ्रिक्शन की जो फोर्स अप्लाइड है
वो 10 न्यूटन से ज्यादा होती फिर सेपरेशन हो जाती, काइनेटिक रोल प्ले करता, पर ये ज्यादा नहीं है तो ये इकट्ठे ही मूव करेंगे। आपकी फोर्स रिक्वायरमेंट कम है, फ्रिक्शन की फोर्स इसमें ज्यादा स्ट्रांग है, तो आप इन्हें सेपरेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर यहां तक? पूछो, पहले इसे क्लियर कर लो तभी आगे चलेंगे। 18 वाला तो गलत बोला ना वो स्टूडेंट, वो लॉजिक ही गलत लगा रहा है, नेट तो लगानी नहीं होती। हमने तो ये देखना है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, सपोज करो, इमेजिन करो, कोई भी एक ब्लॉक है, चलो एक ब्लॉक है, ये रहा एक ब्लॉक, ठीक। मैं इसको ना राइट मूव करवा रहा हूं, राइट मूव करवा रहा हूं ऐसे 20 न्यूटन से। तुमने कुछ नहीं किया, तुमने ना एक धागा बांध दिया, यहां धागे को एक मशीन से बांधा, वो मशीन ना 2 न्यूटन फोर्स लगा के इसे खींच रही है, ठीक है। इसको आपने 2 न्यूटन से धागे से खींचना है, धागे से हाथ लगाओगे तो फिर आपको मन नहीं करेगा इसको छोड़ने का, आप पकड़ोगे आपको जानने दूंगा मैं इसे, तो धागे से लगा के छोड़ दो 2 न्यूटन की टेंशन है उसमें। आपने इसको 20 न्यूटन लगाया, अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो धागा तोड़ के साथ चल पड़ेगा या फिर ये धागे के साथ रह जाएगा, है ना, या तो ऐसे हो जाएगा या फिर ये साथ चल पड़ेगा। कौन साथ लेके जाएगा? फ्रिक्शन। अब इसकी जो फ्रिक्शन है वो कितनी है? 10 न्यूटन है। इनको सेपरेट करने के लिए 10 न्यूटन चाहिए। अब धागा तोड़ने का 20 का क्या रोल है? कोई रोल नहीं, वो तो बेचारा 10 न्यूटन में भी आगे जाएगा और 20 पे भी जाएगा, प्रॉब्लम तो इसकी है ना। तो इसको पीछे की फोर्स क्या मिल रही है? 2 न्यूटन, और इसको इसकी सेपरेशन के लिए कितनी चाहिए? कम से कम 10 न्यूटन। तो या तो धागे की फोर्स 11-12 न्यूटन कर लो, फिर कोई चक्कर नहीं, फिर फ्रिक्शन को ओवरकम कर लेगा और ये यहीं रह जाएगा और ये निकल जाएगा, पर आपकी फोर्स तो लगी सिर्फ 2 न्यूटन, तो ये क्या करेगा? 10 न्यूटन की बड़ी फोर्स है, चिपके हुए 10 न्यूटन से, तो 2 न्यूटन कमजोर है, धागा टूट जाएगा और साथ चल पड़ेगा। लगाते रहो जो लगाना है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसने साथ चलना ही है। तो 20 न्यूटन का कोई रोल नहीं है, 2 न्यूटन का ही रोल है इसमें। इमेजिन कर पा रहे हो? इसमें ये ब्लॉक इधर मूव कर रहा है, ये मुझे डर है पीछे ना रह जाए। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो ये आगे जाएगा साथ ही, या ही पीछे रह जाएगा, ठीक। कोई 2 न्यूटन ना लगाऊं? डन, नहीं लगाया 20 में तो सेपरेशन हो जाएगी। अच्छा ठीक है, इनकी सेपरेशन के लिए कितनी फोर्स चाहिए? 10 न्यूटन चाहिए। आपका मतलब है सेपरेशन हो गई 10 नहीं, इसके ऊपर कितनी फोर्स लगी? 20 न्यूटन। सेपरेशन के लिए कितनी चाहिए? 10 न्यूटन। ये तो नहीं कहता ना सेपरेट मैं कर रहा हूं, ये तो ये देखे, वो तो ये देखेगा कि मैंने सेपरेट होना है कि नहीं होना, क्योंकि ये तो बेचारा आगे जाएगा ही जाएगा, इसने कोई सेपरेशन की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो इसकी है। तू इससे पूछ कि तू साथ चल पड़ता है कि नहीं चल पड़ता, वो कहता मैं चेक कर लेता हूं, मेरी सरफेस के नीचे फ्रिक्शन 10 न्यूटन है, और 10 न्यूटन की फोर्स अगर मेरे पास है, अगर मेरे को कोई नहीं टच कर रहा, मैं तेरे साथ चल पड़ता हूँ यार। तुम मुझे एक आंसर दो, तुम एक ओपन बस में जा रहे हो यार, बस की स्पीड 80 न्यूटन या 800 न्यूटन की फोर्स लग रही है बस की, बस एक्सलरेट कर रही है, तो तुम छत के ऊपर पीछे तो रह जाते ना यार, फ्रिक्शन तो छोटी सी है ना, हमारा वेट भी कितना की है, हम भी तो साथ चलते ही है ना, पॉइंट समझ में आ रहे हैं? तो ये ना सोचो कि वो तेज ज्यादा फोर्स है तो ये पक्का पीछे रहेगा ही रहेगा, ऐसे नहीं है। तो आपका कंपैरिजन 20 न्यूटन के साथ नहीं है, इसको सेपरेट करने के लिए 10 न्यूटन चाहिए। आप ये देखो कि इस पे कितनी फोर्स लगी, इस पे तो कुछ नहीं लगाई ना, तो ये तो साथ चलेगा। 2 न्यूटन लगाई तब भी साथ चलेगा, 3 लगाई तब भी साथ चलेगा, 11 न्यूटन लगा दी, नहीं अब नहीं, अब ये ऐसे हो जाएगा। तो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इसकी फोर्स पे डिपेंड करेगा जिसने पीछे रहना है। समझ में आया यहां तक? तो इस केस में ये सेपरेट नहीं होंगे क्योंकि इसमें 2 न्यूटन की फोर्स कम है, किससे कम है? 10 से है। तो दोनों इकट्ठे मूव करेंगे, इकट्ठे मूव करेंगे तो कौन सी फ्रिक्शन है? स्टैटिक है, और स्टैटिक फ्रिक्शन की प्रॉब्लम फ्री बॉडी डायग्राम ही सॉल्व करेगी। कैसे? 4 kg का ब्लॉक कहां जा रहा है? इधर, बड़ी फोर्स से स्टार्ट करना प्लीज, बड़ी फोर्स 20 है, तो ये इसको यहां लेके जाएगी, तो 4 kg के हेड पे फ्रिक्शन कहां लगेगी? उस तरफ लगेगी। तो ये फ्रिक्शन कहां लगी? 4 kg के यहां लगी, तो 4 kg के यहां लगेगी, तो 2 kg के लेफ्ट लगेगी, तो 2 kg के लेफ्ट लगी ये रही। फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर है? 4 kg के लेफ्ट की तरफ 20 है, राइट की तरफ फ्रिक्शन एफ है, बना लो यहां, बना लो एफ यहां बनाओ और यहां यहां बनाओ,
एक एफ बनाओ राइट, 4 kg पे बनाओ राइट, 2 kg पे बनाओ लेफ्ट, 4 kg बनाओ राइट, 2 kg बनाओ लेफ्ट। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर है? तो इसमें बना लेना 20 - f = 4 * a, यहां पर f - 2 = 2 * a, सॉल्व करके f एंड a कैन बी कैलकुलेटेड, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 8 न्यूटन आएगी इसमें, ठीक। और लास्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास दो ब्लॉक्स हैं और मैंने नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाई 2 mg, नीचे वाले ब्लॉक पे लगाई, और एक्सेलरेशन निकालनी है दोनों ब्लॉक्स की, तो इस केस में रिलेटिव एक्सेलरेशन भी निकाल, देखो रिलेटिव एक्सेलरेशन पूछ रहा है, बताने की जरूरत क्या है? रिलेटिव एक्सेलरेशन का मतलब दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों की स्लाइडिंग होगी फिर भी। तो यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन का रोल है, इसका मतलब एक अलग एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, दूसरा अलग से मूव कर रहा होगा। तो यहां पर ये 3m है और ये m है, और वैसे भी कोफिशिएंट सिर्फ एक ही गिवन है, स्टैटिक गिवन ही नहीं है। कौन सा गिवन है? काइनेटिक। तो इसकी क्वेश्चन पूछने के तरीके से पता लग रहा है कि काइनेटिक का मतलब स्लाइडिंग होगी, ठीक। तो यहां पर 3m कहां जाएगा? राइट। तो इसकी फ्रिक्शन काइनेटिक कहां करेगी? लेफ्ट, और इसकी राइट। तो 3m का फ्री बॉडी डायग्राम राइट 2 mg, लेफ्ट फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0.2 नॉर्मल रिएक्शन mg, 0.2 म्यू इनटू mg नॉर्मल रिएक्शन, और ऐसी 2m के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आगे लेके जा रही है, दे आर मूविंग विद डिफरेंट एक्सेलरेशन a1 एंड a2। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? फोर्स इज मास इनटू a1 एक्सेलरेशन, a1 आ गया। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? 2 mg माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो a2 आ गया, a1 आ गया, a2 आ गया। रिलेटिव एक्सेलरेशन का मतलब डिफरेंस ऑफ एक्सेलरेशन, दोनों की एक्सेलरेशन को माइनस कर दो बड़ी में से छोटी, तो आंसर आएगा रिलेटिव एक्सेलरेशन। कोई डाउट इसमें? क्या ये स्टेप क्लियर है सबको? ठीक ठीक है यहां तक? तो टाइम क्या होगा अभी? ठीक, तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट है, और अगली बार का काम सबको पता है ना, रजिस्टर्स में बना